जबकि ये एक्सपेंड कर सकता है, तो अगले कुछ दिन के लिए अंदर हमारा जो भी हमारी मेहनत है वो बहुत क्रिटिकल है। सबसे बड़ा डर ये है कि अगर ये ज़्यादा फैल जाता है तो क्या हमारे पास मेडिकल सुविधाएं हैं उसको डील करने के लिए। जो नेट पे हम लोग देख रहे हैं, इतने डेवलप्ड कंट्रीज़ भी जब ये फैला तो उनकी सारी मेडिकल हॉस्पिटल सब कम पड़ गए। बाहर 400 400 पेशेंट्स थे और उनके पास 100 ही आईसीयू के बेड्स थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे डील करें। सो उसमें अब हमारे हॉस्पिटल्स की तैयारियां जो है वो सबसे क्रिटिकल हो जाती हैं कि आर वी प्रिपेयर्ड। अगर ऐसा होता है, भगवान ना करे ऐसा हो, भगवान ना करे हम कम्युनिटी स्प्रेड में पहुँचें, लेकिन अगर ऐसा होता है तो आर वी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो इसीलिए आज ये मीटिंग बुलाई है आप सब लोगों के लिए, उसमें आप सब लोगों की मुस्तैदी सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है। तो एक तो ये कि प्लीज़ इंश्योर दैट ऑल योर मशीन्स आर वर्किंग। हर हॉस्पिटल में आप लोगों की, कभी MRI काम नहीं कर रही जी, अल्ट्रासाउंड काम नहीं कर रहा जी, ये नहीं काम कर रहा, वो नहीं काम कर रहा। अगर किसी की कोई मशीन काम नहीं कर रही तो प्लीज़ आपके जो अप्रूवल आपको लेनी है हमसे, आप फाइल भेजेंगे नहीं, आप किसी आदमी को फाइल देके भेजेंगे और उसके वो हाथ के हाथ साइन करा के लेके जाएगा। तो कोई भी फाइल अब ट्रैवल नहीं करेगी रूटीन में। जो भी फाइलें आपको करवानी है किसी को भेजिए, फ़ोन कर दीजिए कि फाइल भेज रहा हूँ, चाहे वो हेल्थ सेक्रेटरी हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, चाहे हेल्थ मिनिस्टर हो, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, सब लोग बाय हैंड साइन करेंगे। कहीं दिक्कत आए तो यू कैन डायरेक्टली गेट इन टच विद हेल्थ सेक्रेटरी, ACS होम, इनसे, मेरे से, किसी से भी आप डायरेक्टली टच कर बात कर सकते हैं। देर इज़ एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो सारी मशीनें काम करनी चाहिए। अभी होंगी ना कई सारी मशीनें जो काम नहीं कर रही हैं, तो उसको तुरंत ठीक कराना है सबको। दूसरा है वेंटिलेटर्स। सारे वेंटिलेटर्स काम करने चाहिए, नंबर वन। और आपके पास जितने सप्लायर्स की, मैन्युफैक्चरर्स की आपके अपने पास लिस्टें हैं, उनसे सबसे फ़ोन करके पूछ लिए जो उनके स्टॉक स्टॉक में कितने वेंटिलेटर पड़े हैं, हम सारे खरीद लेंगे। जितने भी आपके जान पहचान के या आपके नॉलेज में सप्लायर्स और वो हैं, सबको कॉन्टैक्ट कर लीजिए। वी विल बाई ऑल द वेंटिलेटर्स। हमें बता दीजिएगा जितने वेंटिलेटर्स अवेलेबल है। उसके लिए जो भी अर्जेंट बाइंग की कैबिनेट हमें करनी पड़ेगी, हम कैबिनेट करके आपको अप्रूवल दे देंगे। जो भी आपको जरूरत पड़ेगी हम आपको अप्रूवल दे देंगे। लेट्स बाय आउट ऑल द वेंटिलेटर्स। ठीक है, समझ आ गया। तीसरा, सारी मेडिसिन और कंज्यूमेबल्स ये सब अवेलेबल होने चाहिए। कहीं कभी उस टाइम अगर जरूरत पड़ी और उसमें किसी तरह की कोई कमी आ गई। चौथा, LNJP से कौन है? कल आपके पेशेंट्स भाग गए कुछ? नहीं भागे नहीं सर, हमने जो है क्यूबिकल बनाया 6 बेड्स के, वो कह रहे हमें सेपरेट रूम दो इंडिविजुअल, हाँ पॉसिबल ही नहीं है। नहीं, पर वो चले कैसे गए? नहीं वो फिर वो जो एंटर ही नहीं हुए हॉस्पिटल में, एंटर ही नहीं हुए, RML के एम्बुलेंस से उतरे, हॉस्पिटल में एंटर ही नहीं हुए। तो RML वालों ने आपके पास भेजा था? जी अच्छा, तो RML अपने अपने यहाँ क्यों नहीं रखा? फुल हो गए सर। अच्छा, RML का फुल हो गया। एक चीज़ ये इंश्योर करनी है कि हॉस्पिटल से कोई पेशेंट भागेगा नहीं। अगर चाहे जो भी है, हम अपनी फैसिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो भी आपको सिक्योरिटी की ज़रूरत है आप हमें बताइए, पुलिस की ज़रूरत है आप हमें बताइए, पुलिस भी प्रोवाइड करेंगे, सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करेंगे। लेकिन कोई भी, चाहे वो क्वारंटाइन पे पर्सन हो, चाहे वो सस्पेक्ट हो, चाहे वो इन्फेक्टेड हो, अगर वो आपके पेशे वहाँ पे आया तो ठीक होने से पहले भागेगा नहीं।